नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिनांक 4 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:39 से लेकर दोपहर 1:03 तक। और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा संपूर्ण दिन कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो आपके लिए जो आज का दिन है, बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। पैसे के मामले में जो भी रुके हुए काम है, वो आज के दिन आपके पूरे हो सकते हैं। जो आपके मित्र परिवार होंगे, उनके साथ भी कुछ अच्छी गपशप आपकी हो सकती है, या फिर उनके दिए हुए कुछ अच्छी सलाह आपको फ्यूचर में उपयोग में आप ला सकते हैं, जो कि आपके लिए पॉजिटिव ही साबित होगी। तो जो पूरा दिन है आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। जो आपकी मनस्थिति होगी, वह भी बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। उसके बाद की जो राशि है, वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। करीबन पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा होगा कि जिस विषय पर आप काम करते हो, या फिर आपका जो भी व्यवसाय है या फिर नौकरी है, उसके बारे में कुछ प्रश्न चिन्ह आपके दिमाग में या फिर मन में खड़े हुए थे, लेकिन वह प्रश्न चिन्ह अभी धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छे आइडियाज आपको मिल सकते हैं, जो कि आने वाले कल में अच्छी तरह से आप परावर्तित कर सकते हो। आपके काम की प्रशंसा भी हो सकती है, अप्रिसिएशन भी हो सकता है। जो महिला वर्ग है, उनके लिए भी देखा जाए तो आज का जो दिन होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आज आप जो भी काम करते हो घर के का मामले में, उसके अच्छे आपको भी अप्रिसिएशन मिल सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी जो आज का दिन है, बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है, वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा और शुभ दिन आपके लिए साबित होने वाला है। पैसे के मामले में, जिसे हम सेविंग बोलते हैं या फिर पैसे की इनकम जिसे हम बोलते हैं, वो आज के दिन अच्छे हो सकती है। उसके बारे में कुछ आपने बड़ा उसके बारे में अगर सोचा है, मतलब इनकम के बारे में, पैसे कमाने के बारे में मामले में कुछ बड़ी सोच आपके मन में है, तो मेरे ख्याल से वो सोच पूरे होने के कगार पर है, या फिर उसके बारे में कुछ अच्छे आसार आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छे आइडियाज आपको मिल सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर आप काम करोगे, तो मेरे ख्याल से भविष्य में वो पूरे होने के भी अच्छे आसार लग रहे हैं। जो महिला वर्ग है या फिर जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए भी जो दिन है, बहुत अच्छा गुजरेगा। और खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए जो दिन है, बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है, वह है कर्क राशि। कर्क राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो गुरु है, वो गुरु आप इससे यह जो चंद्रमा है उसके साथ लाभ योग करने जा रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड मनी जो बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड पैसे जो बोलते हैं, वो आप आज का दिन आपको मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत सेहत के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप जो इन-लॉज है, उनसे आप कुछ पैसे के मामले में मदद मांग रहे हो या फिर उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो मदद आज आपको मिलने की बहुत अच्छा आसार है। तो उसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ सेहत के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। महिला वर्ग या फिर गृहिणी वर्ग के लिए भी देखा जाए, तो जो आज का दिन है, सिर्फ और सिर्फ सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। और जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए आज किसी भी प्रकार के मतलब रिस्क नहीं लेना, कुछ अलग से विचार नहीं करना, पूरी तरह से अपनी शिक्षा के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है, वो है सिंह राशि। सिंह राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, तो आपके जो आपका दिन है, बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। खास करके रिलेशनशिप के मामले में, अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार होंगे, उनसे आपके जो हार्मनी है, उसके उनके साथ जो स्नेह संबंध है, वो बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे। उसी प्रकार जो सिंह राशि के व्यक्ति प्रेम में हैं, उनके लिए तो दिन बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने हैं। कुछ अच्छे प्लानिंग अगर आपके जो प्रेम के साथी है, उनके साथ आपने बनाए हैं, तो आज आपके पूरे हो जाएंगे। कुछ कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम आपके म्यूचुअल रिलेशनशिप में आए थे, वैयक्तिक आपके जो संबंध है उसमें, तो वो आज पूरी तरह से निकल जाएंगे। कुछ अच्छे आपको आसार मिलते हुए नजर आएंगे। तो जो आपका जो मूड होगा, बहुत ही अच्छा होगा। जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए भी अगर देखा जाए, तो जो घर के जो लोग होंगे, उनके साथ बहुत ही अच्छे तरह से रिएक्ट करेंगे। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनसे आपके जो
मतलब हार्मनी है, जो स्नेह संबंध है वो बहुत ही अच्छे साबित होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है, तो आपके लिए वैसे देखा जाए तो दिन मिला जुला होगा। षष्ठ भाव में चंद्रमा होने के बावजूद जो दिन है वो अशुभ नहीं होगा। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ है वो अच्छी साबित होगी, जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार। लेकिन आपकी जो राशि है वो छोटे मोटे बातें में थोड़ा स्ट्रेस लेने वाली है, तो वो छोटे मोटे स्ट्रेस बने रहेंगे, लेकिन उससे आपके दिन के ऊपर, आपके मूड के ऊपर बहुत बड़ा ऐसा कुछ असर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से दिन जो होगा आपके लिए सामान्य ही साबित होगा। सिर्फ और सिर्फ सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इसकी बात की जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और जो गुरु है वो गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है, तो बहुत अच्छा दिन है आपके लिए तीन चार मामलों में। पहला जो है, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो आज के दिन आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कुछ अच्छी बातें या फिर कुछ अच्छे फायदे आज आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हो तो उस वहाँ पर भी आपके जो प्रेम के साथी होंगे उनसे आपको कुछ अच्छी बातें या फिर कुछ अच्छे हार्मनी स्नेह संबंध डेवलप हो सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी शादी हुई है, संतान है, तो संतान सुख में भी कुछ अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो करीबन हर एक मामले में जो दिन है आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। जहाँ अगर आप काम करते हो, अगर आपका कोई व्यवसाय है, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो परिस्थितियाँ भी जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार से होगा, जो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है, तो बहुत बहुत ही अच्छा और शुभ दिन आपके लिए साबित होने वाला है। आज आप पूरी तरह से घर पर रहोगे, घर के जो व्यक्ति रहेंगे, सदस्य रहेंगे, उनकी जो भी समस्या है उनके बारे में सोचोगे, उनमें घुल मिल जाओगे, थोड़ा बहुत आराम भी करोगे, तो जो स्ट्रेस है आज, हालांकि आपकी राशि जो स्ट्रेस या फिर जो भी बातें हैं किसी के साथ शेयर नहीं करती, लेकिन स्ट्रेस आज आपके दिन आज आपके मन में दिल में नहीं होगा, तो पूरा जो दिन है वो जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार से होगा और पूरा आनंद में, हैप्पी डे जिसे हम बोलते हैं, वो आज आपका बीतने वाला है। रिलेशनशिप के मामले में भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा और शुभ दिन आपके लिए साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है, तो बहुत बहुत ही अच्छा दिन आपके लिए साबित होगा। मतलब अगर आप कुछ अच्छा या फिर अलग से सोच रहे हो तो उसके बारे में कुछ अच्छे आइडियाज वगैरह आपको मिल सकते हैं। जो दिन है वो पूरा बिजी रहेगा, अगर आप काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, तो उसी के बारे में सोच विचार में रहेगा। जो भी स्ट्रेस या टेंशन है, मुझे पता है कि आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में चल रही है, गुरु का भी बल आपके लिए नहीं है, लेकिन आज का जो दिन होगा वो पूरा सोच विचार में बीतेगा। लेकिन जो सोच विचार आपके मन में होंगे वो पॉजिटिव होगी, जिसकी वजह से स्ट्रेस आपको नहीं आएगा। किस तरह से और जो आपका बिजनेस है या फिर जो काम है किस तरह से फैलाया जाए, किस तरह से फ्यूचर में इसके बारे में सोच विचार किया जाए, इसके बारे में आप सोचोगे। अगर आप किसी मेल के बारे में या फिर पत्र व्यवहार के बारे में सोच रहे तो वह आज के दिन आपको मिल सकता है, जो कि पॉजिटिव होगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा दिन है, उसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। महिला वर्ग है, जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए भी देखा जाए तो दिन अच्छा होगा। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार से आज का जो दिन है बीतने वाला है, उसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है, तो सभी प्रकार के लाभ आज आपको मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है, बहुत अच्छे आसार है। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या टेंशन आपके लिए नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार उनसे आपके आपके साथ बने हुए थे प्रॉब्लम वाली बात, वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। इसमें अच्छी तरह से हार्मनी भी आपको मिलेगी और जो आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार होंगे उनसे आपको अच्छी मदद भी मिलेगी। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ अच्छी मदद या लाभ मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है, उसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। जो दिन होगा आपका बहुत ही अच्छा साबित होगा, खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी जो दिन है बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है तो आपके लिए जो आज का दिन वैसे अच्छा होगा। जहाँ खास करके जहाँ पर आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सभी लोग रहेंगे वो आपको अच्छे मददगार साबित होंगे। किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम आज आपके दिन नहीं आएगा, पूरी तरह से शांत तरीके से आज का जो दिन है वो आपका बीतने वाला है। हालांकि जहाँ पर आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, वहाँ पर के जो काम रहेंगे उसके पीछे आप पड़े रहोगे, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए, अंतस्थ भावना से अगर देखा जाए तो जो दिन होगा वो शांततापूर्वक ही आपका बीतेगा। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी जो आज का दिन है बहुत अच्छा होता है, खास करके जो
विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो आज का दिन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के वैय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। यद्यपि चंद्रमा आपके वैय भाव में है लेकिन आज आपका जो दिन होगा वो बहुत ही स्थिर होगा। हालांकि आपके राशि में हमेशा आप कुछ ना कुछ विचारों पर हमेशा सोचते रहते हो, छोटी मोटी बातों से आपका जो मूड है वो आता है जाता है, तो मन की स्थिति होती है वो नॉर्मल नहीं रहती। लेकिन आज का जो दिन होगा थोड़े बहुत विचार होंगे लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो सामान्य होगा। किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आज के दिन आपको नहीं आएंगे। जो विचार आपका चल रहा है जिस क्षेत्र में आप हो उसी प्रकार से दिन बीत जाएगा, किसी भी प्रकार से बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। जो महिला वर्ग है या फिर जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी जो दिन है वैसे देखा जाए तो सामान्य ही साबित होगा। विद्यार्थी वर्ग के बारे में अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के शिक्षा के बारे में नए रिस्क नहीं लेना, नए सोच के बारे में नहीं सोचना। थोड़े दिन रुके, 2-3 दिनों के बाद आपकी जो राशि है वो फिर से नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों ये था दिनांक 4 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।